अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं माइनिंग शॉप। दोस्तों आज हम बनाएंगे वैक्यूम की मोटर। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मोटर जो है वो चलती नहीं है क्योंकि इसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं तो डिसबैलेंस होती है आर्मेचर बनने के बाद, मगर हम इसको वाइंड करेंगे और इंशाल्लाह आपको चलाकर चेक करवाएंगे कि एक बेहतरीन मोटर वाइंड होकर चल वाइंडिंग के बाद बेहतरीन तरीके से चलती है। वैसे तो मार्केट में मिलती है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपको हुनर आना चाहिए कि हर चीज़ वो जिसके अंदर आर्मेचर है या वाइंडिंग है वो बन सकती है। तो चलिए इसको खोल के और फिर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि इसको बैलेंस में कैसे लाना और ये वाइंड कैसे होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। चलो भाई खोल। कवर ओवर तो मैंने हटाए हैं वैसे सारे इसके। ये नट जो है इसका थोड़ा सा टाइट होता है तो इसको हल्की सी चोट मार के खोलना है, ठीक है। और ये वॉशरूम वगैरह भी इसकी निकाल दे, ये दोनों इसको खोल ले। कवर हटाने के बाद ये इस पोजीशन में आ जाएगी, सही। तो यहाँ पर ये दो स्क्रू लगे हुए होते हैं, ये देखो एक यहाँ और एक यहाँ, ये वाले जो मैंने पहले खोली थे, अपने वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से। पीछे से चोट मार लिया हल्की से। अच्छा ये देख लें, इस तरह होती है कार्बन की डायरेक्शन भी इसकी फील के अपोजिट साइड पे, जैसे मैं आपको कवर का हमेशा बताता हूँ। और अब हम देख लेते हैं इसका आर्मेचर। अच्छा ये दूसरी मोटरों से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि इसके जो आरपीएम होते हैं वो हाई होते हैं और इसके स्लॉट जो होते हैं वो 22 स्लॉट की होती है और 22 फले के कम्यूटेटर होता है, सिंगल कॉइल डलता है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेना हमने कि वाइंड किस तरह हुई हुई है और उसके बाद जब उसको वाइंड करके आपको बताऊँगा। अब ये देखें, ये ना रिवर्स वाइंडिंग हुई हुई है, ये आप देख रहे होगा, ये दो कॉइल आगे डले हुए हैं और ये लास्ट वाला पीछे। और अब हम इसके कनेक्शन देखते हैं कि कहाँ लगे हुए। अच्छा देखिए ये लास्ट वाला इस कुंडे पे लगा हुआ कनेक्शन इसका ना, ये देख रहे होंगे आप। तो मैं इसको तार को हटा के, अब ये देखें ये वाला इसका मैंने तार खोल लिया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कनेक्शन इसका कहाँ लगा हुआ है, यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये इसका कनेक्शन लगा हुआ है 11 पे, आगे से गिनेंगे, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया इसका जब ये बंद हुआ तो इसका कनेक्शन 11 पे लगना है। अब हम वाइंडिंग को शुरू कर लेते हैं। आर्मेचर मैंने एक सेम इसी तरह का काट के उसमें पेपर वेपर डाल के रखे हैं, 22 फली और 22 स्लॉट का आर्मेचर है इसका और नंबर इसमें यूज़ होगा, इसमें निकला 31 है, मैं इसमें 32 डालूंगा और टर्न डालूंगा 25 25, सिंगल कॉइल होगा। चलिए अब इसको वाइंड करके देखते हैं। अब इसको किसी भी स्लॉट से शुरू करना है हमने, तो कनेक्शन जब इसका लास्ट वाला हमें पता है 11 पे लगा हुआ, सही है, लेकिन जब हम इसका कनेक्शन शुरू वाला करेंगे तो वो लगाएंगे 9 पे, 1 2 3, क्योंकि ये दो स्लॉट पीछे आएगा, इसकी पिच जो 11 नहीं बनाएंगे हम, इसकी पिच बनेगी 10 की, तो इस वजह से दो कॉइल जो वो पीछे की तरफ को मूव होंगे तो कनेक्शन इसका 9 पे लगाएंगे तो तब जाके 11 पे आएगा। इसकी पिच बनाएंगे 10 की, 10 पे इसका कनेक्शन सॉरी कॉइल डलेगा। अच्छा ये बनवा रहा है, पच्चीस टर्न डालें, ठीक है। फिर उसके रिवर्स वाइंडिंग है, कनेक्शन पीछे की तरफ को मूव होगा, सिंगल कॉइल you
के आर्मेचर जो है वो तैयार हो गया। वाइंडिंग मैंने स्टार ही करी है, ये देखते हैं। वह मत मारो उसको, आर्मेचर मैंने वार्निश नहीं करा अभी, हम इसको पहले वैसे चलाकर चेक कर लेते हैं, वार्निश करेंगे इसको बाद में। थोड़ी कवर पट्टी बिठा ली मैंने इसकी, अब हम इसमें जो है बाकी की फिटिंग करके एक दफ़ा प्रॉपर इसको चेक कर लेते हैं। तो देख लिए भाइयों, ये मोटर चलती है वाइंड होने के बाद भी चलती है। जिनका ये डाउट है कि मोटर वाइंड होने के बाद नहीं चलती, तो अपने दिल से ये डाउट क्लियर कर लो कि मोटर वाइंड होने के बाद हर मोटर चलती है, एक या कोई भी होगी वाइंड होने के बाद चलती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।